अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? किसी भी सरफेस पर चार्जेस का इकट्ठे हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी भी सरफेस पर, कोई भी सरफेस है, आपकी बॉडी की सरफेस हो सकती है, आपके हैंड की सरफेस हो सकती है, आपके बालों पर, उनकी सरफेस पर चार्ज का इकट्ठा हो जाना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, उस चार्ज का किसी भी सरफेस पर इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी एक एग्जांपल देखेंगे हम। ये बलून है, इसकी सरफेस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, देखें पीस ऑफ पेपर जो है इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब हमने इस पे चार्ज जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बलून को बालों पे रब करेंगे और जैसे ही हम बलून को इन पेजेस के पास लेके जाएंगे, ये उसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, दोबारा से अगर हम बालों पे रब करें इसे, इसकी सरफेस पे चार्ज है वो एक्युमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है। जब पीस ऑफ पेपर के पास से लेके जाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे। ऐसा क्यों है? चार्जेस की वजह से। क्यों है? बलून की सरफेस पर बालों पे रब करने की वजह से चार्जेस आ गए थे, उन चार्जेस की वजह से जो पीस ऑफ पेपर है, छोटे छोटे ये पीस हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है।